नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों आज का दिन है 3 फरवरी 2022 का। तो आज का मैं आपको यहाँ की 9:45 बजे तक की आवकों की स्थिति आप सभी किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मंडी के निकलते हैं तो मंडी की क्या स्थिति बन रही है अभी की स्थिति में, 9:45 बजे की स्थिति आप सभी किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जानकारी और मेरी सेवा अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधी और साथी किसान भाई तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से रोजाना की अपडेट मिलती रहे। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जानकारी देख रहे हैं और पसंद आ रही है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्द से जल्द दलोदा मंडी की बाजार भाव की अपडेट पा सके। दोस्तों अब चलता हूं मैं आपको लेकर की प्लेटफॉर्म की स्थिति इसमें किस प्रकार से देखने को मिल रही है फील्ड साइड में आवकों की स्थिति के बारे में। दोस्तों जिस प्रकार से मैं आपको अभी की आवकों की स्थिति बता रहा हूं, जो आप देख रहे हैं यहां की 9:45 बजे की जो आवकों की स्थिति मैं आप सभी किसान भाइयों को बता रहा हूं, आप देखेंगे आवके दोस्तों जो हमें आज की देखने को मिली है लगभग कल जैसी आवक आज ही हमें देखने को मिली है। और लेकिन मंडियों में थोड़ी क्वालिटी की थोड़ी कमी हमें देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं आवकों की स्थिति के माध्यम से जो आप देख पाएंगे। दोस्तों इस साइड में स्पेस हमें देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्यादा बड़ा वीडियो को नहीं करते हुए मैं आपको यहाँ की आवकों की स्थिति पूरी इस वीडियो के माध्यम से जो बता रहा हूँ दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ के पुराने लहसुन, अगर जो भी किसान भाई अगर आप मंडी में लेकर आना चाहता है और आपके पास में अभी भी पुराने लहसुन पड़ी है तो उसकी भी आवकों की स्थिति किस प्रकार से हमें देखने को मिली है, तो शेड नंबर 2 में पड़ी है उसकी आवकों की स्थिति जो मैं आपको बताऊंगा। अब देखेंगे दोस्तों इस साइड में नीचे तक एक चूना लाइन बनी है, वहां तक एंडिंग है दोस्तों। उससे नीचे आप ढेरिया नहीं कर सकते, आपको नीलामी का आयोजन नहीं होगा। दोस्तों कल भी किसानों को असुविधा हुई थी, मैं आपको यहाँ की जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप खाली करें या ना करें ये निर्णय आप खुद लीजिएगा। बाकी मैं जो जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूँ, इस साइड में जो आपको प्लेटफॉर्म की आउट साइड में भी एक चुना लाइन लीडर भी बनाई गई है दोस्तों, और ऊपर की साइड में भी एक चुना लाइन है और नीचे की साइड में भी एक चुना लाइन बनी है। दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि जो चुना लाइन बनी है इससे आउट साइड में आप अपना कोई सी अभी लोट खाली ना करें, आपका नीलामी का आयोजन नहीं होगा दोस्तों। बाकी आप जो भी स्थिति देखें उसका निर्णय आप खुद लीजिएगा। जो मंडी में अभी हमें देखने को मिल रहा है मैं आपको स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। निवेदन करूंगा मैं आपसे कि कोई भी किसान भाई ऐसी चुना लाइन से आउट में अपना लोट खाली ना करें, ताकि आपको नीलामी कार्य से वंचित ना रहना पड़े। दोस्तों ये आवकों की स्थिति हमें देखने को मिली है। लगभग लगभग अगर आवकों की स्थिति में आपको बताऊं तो 3,000 कट्टों की आवक अभी की स्थिति में हमें देखने को मिली है। बाकी आवके जारी है दोस्तों, और भी आवक बढ़ सकती है। अब चलते हैं मैं आपको लेकर यहाँ की स्थिति के माध्यम से कि पुराने लहसुन की आवक किस प्रकार से हमें देखने को मिली है। रही पुराने लहसुन की आवकें आज की, आज आवकों में पुराने लहसुन में भी कमी हमें देखने को मिली है दोस्तों। कम आवक आज पुराने लहसुन की हुई है जो आपको देखने को मिल जाएगा। कल की अपेक्षा आवक आज कम हमें देखने को मिली है। बाकी इक्का दुक्का लाट ऊपर वाले फर्स्ट प्लेटफॉर्म के अंदर भी हमें देखने को मिले हैं।